अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजी और कुक विद शाजी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है आज दोपहर से, यानी सुबह का नाश्ता हो चुका था, साफ सफाई भी हो चुकी थी। तो अब हम आ गए थे किचन में और आज हमें बनाना था खीरी गुर्दे का सालन। तो देखिए, खीरी गुर्दे हम हमेशा एक दिन पहले मंगा लेते हैं और उसको अच्छे से पहले पानी से वॉश करके और उसके बाद अदरक लहसुन और नमक के पानी में खूब अच्छे से खौला लेते हैं और उसके बाद वो पानी भी फेंक के और फिर से उसको साफ पानी से धो के और एक डलिया पे डाल देते हैं। इससे इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है और जितना भी खून होता है सब निकल जाता है और पकाने के बाद इसमें फिर किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है। अच्छा, इसी प्रोसेस से अगर आप कलेजी बनाएंगे ना तो भी आपकी कलेजी में बिल्कुल स्मेल नहीं आती है। ये प्रोसेस आप सेम डे भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी अपनी उसके हिसाब से करते हैं ताकि एक दिन पहले कर लेते हैं तो पकाने में दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसको अब हमने थोड़ा सा तेल डाल के खड़े गर्म मसाले डाले हैं और उसमें इसको पहले फ्राई कर लेंगे। तो इसको जब तक इसका हल्का सा पिंक कलर नहीं आ जाता इसको फ्राई करेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें करीब 10 से 12 हरी मिर्चें और इसको हमने ऐसी मिक्सी में क्रश कर लिया था। 2 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इससे जो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल होती है वो भी चली जाएगी और मिर्च के साथ जब भूनते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है किसी भी डिश का। जिस भी डिश को आप हरी मिर्च में बनाएंगे उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस इस जगह पर डाल देंगे 1 चम्मच नमक और इसको भी डालकर अच्छे से भून लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना है हमें और जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तब हम डालेंगे यहाँ पे कुछ मसाले, जिसमें हमने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च रंगत के लिए, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इससे फ्लेवर और अच्छा आता है। तो बस डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, किसी भी प्रोसेस में भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, जो भी आप हांडी बना रहे हो उसमें भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तो बस 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अब डाल देंगे 1 बड़ा तला हुआ प्याज। प्याज को हमने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया था क्योंकि रीज़न इसका यही था कि अगर हम गोश्त के साथ इसको फ्राई करते ना तो वो गोश्त को तलते तलते प्याज को ज़्यादा ही लाल हो जाती या काली हो जाती, तो हमने उसको पहले ही फ्राई करके निकाल लिया और उसके बाद फिर गोश्त को तला था। तो आप चाहें तो साथ में भी तल सकते हैं। और 2 बड़ी प्याज हमने कच्ची डाली है इस जगह पर, इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके ताकि ये गल जाएँ। और इसको लास्ट में ही डालना है हमें क्योंकि इसका ही हमें मसाला बनाना है। 1 बड़ा चम्मच डाला है कसूरी मेथी और इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया था हमने पहले और इसको डालकर मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर कसूरी मेथी आप यहाँ पे ना डालना चाहें तो इसकी जगह आप फ्रेश आजकल जो धनी वो आ रही है सोया मेथी वो भी आप डाल सकते हैं। बस पानी डाल देंगे इसमें गलने भर का। इसको अच्छा गलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो करीब 3 सीटी इसकी दिलाएंगे हम तेज़ गैस पर। उसके बाद गैस की जो फ्लेम है उसे लो करके करीब 10 से 12 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो गैस पर पकाएंगे या जब तक ये गल नहीं जाता। तो बस इसको हमने खोल के चेक किया है तो मेरा यहाँ पे गल गया है। अगर आपकी बोटियाँ ना गली हो तो फिर आप 2-4 मिनट के लिए फिर से रख दीजिएगा सीटी दिला के, तो ये गल जाएगा। तो बस इसको हम भून लेंगे खूब ढेर सा धनिया डाल के। और देखिए, अब भून चुका है तो इस जगह पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हमें बहुत भुना हुआ नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डालने से इसमें हल्की सी ग्रेवी भी बन जाती है और जो इसका जो तीरा है वो ऐसे देखिए ऊज आउट हो जाता है। तो बस लास्ट में धनिया पत्ती डालेंगे और यकीन करिए इतनी ज़बरदस्त हमारी ये खीरी गुर्दे बन के तैयार हुए थे। तो देखिए, हमारी जो रेसिपी है वो बन गई है। तो आज हमें आपके साथ यहाँ पर 2 सूट शेयर करने हैं। तो ये पहला सूट है वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में। तो ये बहुत अच्छा सा कॉटन सूट है, पूरा वाइट सूट है जिसके ऊपर ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रे कलर की कढ़ाई है और इसका ये ब्लू कलर का दुपट्टा है, ये शिफॉन दुपट्टा है और दोनों साइड पर वाइट कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, कढ़ाई के अलावा भी इसमें ये 2 पैच एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, इसे आप चाहे पैंट पर लगाएं चाहे स्लीव्स पर लगाएं। और कढ़ाई देखिए कितनी बारीक सी और कितनी खूबसूरत कढ़ाई है, देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंटिंग, लेकिन ये बहुत बारीक सी और बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई है। मतलब आप देख सकते हैं इस जगह पर, हमने आपको काफ़ी करीब से दिखाया है और वाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है इसकी जैसे फोटो में दिख रही है, ये देखिए। तो ये हुआ वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन। और अब हम आपके साथ दूसरा सूट शेयर करते हैं, ये है ब्लैक। तो ये ऑल ओवर ब्लैक सूट है, देखिए इस तरह से है कुछ जैसा कि कैटलॉग में दिख रहा है आपको। तो जो इसकी शर्ट है वो पूरी ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड है और इसके ऊपर भी बहुत बारीक से रेशम का मल्टी शेड का काम है और वाटर सीक्वेंस का थोड़ा सा वर्क है इसके ऊपर। अच्छा, वाटर सीक्वेंस जिसमें लगे होते हैं ना कढ़ाई में, तो इसकी वजह से कढ़ाई और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये जो इसका दुपट्टा है ये टबी सिल्क का है, काफ़ी सॉफ्ट सिल्क है ये और दुपट्टे पर कोई वर्क नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर प्रिंटेड दुपट्टा है। तो यहाँ पर हम आपको शर्ट खोल के दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए इसकी पैंट है, पैंट बिल्कुल प्लेन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो पैंट होती हैं वो मोस्टली ब्लैक प्लेन ही होती हैं।
और जो शर्ट और दुपट्टा होता है ना उस पर एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट होता है। तो ये शर्ट का पैनल है यानी नीचे का दामन, और इस पे नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, और इस तरह से बीच में एक बड़ा जो बूटा है वो ऊपर गले तक गया हुआ है, और दोनों साइड पे छोटे बूटे हैं, और ये जो दो छोटे बूटे दिख रहे हैं ये स्लीव्स के हैं, और बीच में है ये बॉटम है, बॉटम प्लेन है। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक, बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत सूट है। शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन यकीन करिए बहुत ज़बरदस्त सूट था। अच्छा, वक्त हो गया था शाम का, और इस वक्त मेरा बड़ा बेटा आ चुका होता है कॉलेज से। उसकी कॉलेज की टाइमिंग काफ़ी लंबी है, सुबह 7:30 बजे से जो जाता है तो शाम को 6 बज जाता है आने में। तो मोस्टली वो जब शाम को घर पे होता है तो वो ज़्यादातर उनकी फरमाइशें होती हैं कि मम्मा ब्रेड पकौड़ा बना दें या पिज़्ज़ा बना दें, बर्गर बना दें। तो आज भी वो इसी तरह की फरमाइश उनकी स्टार्ट थी, लेकिन आज हमने थोड़े बहाने करे कि बेटा सॉस ख़त्म हो गई है, पिज़्ज़ा बेस नहीं है, तो उसने ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। अच्छा, ब्लिंकिट से हमने आज ये पहली मरतबा मंगवाया है, और 10 मिनट के अंदर आकर वो दे गया। बड़ी अच्छी सी सर्विस है उन लोगों की। तो क्योंकि बहाना ख़त्म हो गया था तो अब बनाना ही था पिज़्ज़ा, लेकिन आज हमने पिज़्ज़ा, हम खड़े रहे लेकिन हमने सारी चीज़ें कट नहीं की। मोस्टली वो जब इस तरह की चीज़ें बनानी होती है ना तो बोलता है मम्मा सब्जी कट कर दें, या जैसे पिज़्ज़ा या चाउमीन कुछ बना रहा है या मैक्रोनी या पास्ता बनाते हैं तो मम्मा इसको उबाल दीजिए, इसको कट कर दीजिए। तो आज हमने कुछ नहीं किया, आज हमने बोला आज हम सिर्फ देखते हैं, तुम सारी सब्जियां भी तुम ही कट करो, सब कुछ तुम ही बनाओ। अच्छा, इस एज के जो बच्चे होते हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए या जॉब के लिए आज नहीं तो कल बाहर निकलना ही है, तो इस तरह के काम थोड़े से उन्हें करने खुद भी आने चाहिए जो किचन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब बच्चे बाहर रहते हैं तो उन्हें सब तरह के ही काम करने पड़ते हैं। तो बस आज हमने उनसे कहा कि खुद ही आप सारी सब्जियां कट करिए। तो सारी जो सब्जियां थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सारी उसने खुद ही कट की, और बहुत अच्छे से कट की। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा जो अंदर के जो पार्ट्स हैं वो निकाल के, जो टमाटर के बीज हैं उनको अच्छे से साफ करके बहुत अच्छे से उसने सारी सब्जियां कट की, और इस बीच में वो अपने हाथ का भी पूरा ख्याल रखा कि कहीं हाथ में कट ना लगे। तो जब लड़के काम नहीं करते हैं जब तक नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो काम बड़े कायदे से करते हैं। तो ये देखिए जो पिज़्ज़ा बेस हमने मंगवाया था ये काफ़ी अच्छा, मतलब बेस था बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत अच्छी इनकी सर्विस भी थी और इनके प्रोडक्ट भी बड़े अच्छे थे। तो खैर, उसने पिज़्ज़ा बनाया, अपनी जो भी चीज़ें, जो भी सॉस वॉस डाल के जैसे वो बनाते हैं सारी चीज़ें उन्होंने डाली, बनाया पिज़्ज़ा, और यकीन करिए इतना अच्छा पिज़्ज़ा उसने ये बनाया था, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। अच्छा, ये कुदरती चीज़ है कि पता नहीं क्या, लेकिन जेंट्स के हाथ में थोड़ा जायका ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी देखिए बड़े बड़े शेफ़ होते हैं और जो बावर्ची होते हैं सब जेंट्स ही होते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी।